अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज 0.2। अदालत को सिर्फ एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जबरदस्ती इख्तलाफी नोट और फैसले मुल्क को नुकसान के अलावा कुछ नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायज ईसा के खिलाफ बगावत कर दी। उनका ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें। कि इस वक्त आईन क्या इमेजिन करता है कि इंस्टीट्यूशन जुडिशरी की कैसी होनी चाहिए। आईन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसको हमने अचीव करना है। नए आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूं वो कुछ ऐसे गुजारशात हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है।